भाई क्या कार है ब्रो, ये कार है कि क्या है भाई क्या? What's up? आज हम लोग गाइस यार वन ऑफ द रेयरेस्ट लैम्बोर्गिनी खरीदने वाले हैं। और यार वो कोई नॉर्मल लैम्बोर्गिनी नहीं है, हालांकि देखने में शायद आप में से बहुतों को अच्छी ना लगे या बहुतों को बहुत तगड़ी लगे, पर हाँ वो अब तक की सबसे फास्टेस्ट लैम्बोर्गिनी है। ओके, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड वाला सीन है उस कार का। ओके यार, जिन लोगों ने गेस कर दिया कमेंट सेक्शन में बताओ उस गाड़ी का नाम क्या है। बाकी यार लेट्स बैक टू द होराइजन वर्ल्ड, लेट्स गो। वेलकम टू होराइजन वर्ल्ड यार, एंड हम लोग अभी सुपरा M4 में है भाई। आज हम लोगों को लेना है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लैम्बोर्गिनी भाई। उस लैम्बोर्गिनी का नाम क्या है मैं अभी भी रिवील नहीं करूंगा यार। चलो बताओ, आप ही लोग बताओ भाई क्या नाम है। फिलहाल मैं अपनी आपको सुपरा MK4 दिखाता हूँ, फुल फटाका फोड़ दिए भाई। आज हम लोग को यार कुछ ड्रैग रेसेस करने हैं ताकि यार मुझे उस लैम्बोर्गिनी खरीदने के पैसे मिल जाए भाई। एंड वो जो ड्रैग रेसेस होंगे ना वो भी मैं लैम्बोर्गिनी से ही करूंगा। अभी हम लोग सुपरा लेके निकले हैं राइट। एंड यार मैं आप लोग को एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो जो लैम्बोर्गिनी है अगर आप लोग सोच रहे हो कि वो भाई लेटेस्ट वाली लैम्बोर्गिनी होगी जो अभी अभी लॉन्च हुई है, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, लैम्बोर्गिनी हुरेकन, वैसी कुछ नहीं है भाई। वो लैम्बोर्गिनी बहुत ही ज्यादा एंटीक पीस है, प्लस उस लैम्बोर्गिनी में ना इतनी ज्यादा पावर है ना, आई मीन स्टॉक मॉडल में तो पावर नहीं है लेकिन मॉडिफाई करवाने से ना भाई गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है भाई। खैर हम लोग अभी यार वही लैम्बोर्गिनी लेंगे। फिलहाल भाई मैं कहां जंगलों में आ गया हूं यार। ओके यहां से निकलना पड़ेगा भाई, यार मैंने इतनी गलत जगह घर ले लिया है ना यार, बहुत दिक्कत होती है भाई। बट खैर यहाँ पे तो एक नदी है भाई, ये रास्ते में तो पहली बार आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी कितनी गंदी हो गई है। लेट्स गो, लेकिन यहाँ से कूदाते हैं, लेट्स गो भाई। थोड़ा साफ हो गया होगा, होप सो। यार कुछ साफ नहीं हुआ है यार, गाड़ी और गंदी हो गई है लग रहा है मुझे यार। खैर भाई यार पक्का रोड थोड़ा आ गया है, अब यहाँ पे रोड थोड़ा पक्का लग रहा है मुझे। देख रहे हो भाई इतनी एंटीक कार सुपरा MK4 जिसपे मैंने भाई एंटी लैग V12 इंजन लगा रखा है विद ट्विन टर्बो चार्ज के साथ। बट स्टिल भाई हम लोग ऐसे जगह चला रहे हैं। बट खैर बैक ऑन द ट्रैक, गाड़ी फुल मॉडिफाइड है भाई, फुल कंप्लीटली यार, एंड ड्रिफ्ट भी मारती है। ये देखो भाई पूरा ट्यून करके रखा है मैंने, लाइक यार हर एक चीज भाई। ये देखो स्किट भी करना है, स्किट भी कर सकते हैं, आई मीन हर एक चीज भाई। गाड़ी अभी बहुत गंदी हो गई है, देख रहे हो कितनी गंदी हो गई है, कलर ही उतर गया है यार गाड़ी का पूरा। एक तरीके से बोलोगे तो कलर पूरा उतर चुका है यार। खैर अपन लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं भाई। लैम्बोर्गिनी से पहले रुको, आज का व्हील स्पिन बाकी है यार। पहला व्हील स्पिन क्या मिलता है, लेट्स गो भाई कुछ लैम्बोर्गिनी भाई, लेट्स गो। पहले व्हील स्पिन में ही पैसे मिल गए अच्छे खासे यार, और क्या चाहिए भाई। भाई ऐसे दो चार और मिल जाए यार फिर तो भाई पैसों की बारिश होगी, एंड अपने को लैम्बोर्गिनी खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वाओ Porsche 911 Carrera S मिल चुकी है भाई, लेट्स गो। 2019 मॉडल भाई, एपिक कार है। ओके आज मेरा किस्मत चमक रहा है यार, क्या बात है भाई आज इतना गुड लक कैसे भाई। ओके इस बार कुछ, अरे ठीक है 50,000 ठीक है, 1,000 रुपए से तो ठीक ही है भाई। ओके फिर से देखते हैं क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। ओ मर्सिडीज रिवॉल्यूशन 19 वो ये मिली है भाई, ये मेरे को गाड़ी के बारे में पता नहीं है लेकिन ये गाड़ी को अपन बहुत तगड़ा मॉडिफाई करवा सकते हैं, इससे पता चल रहा है भाई रेट्रो कार है। जैसे हम लोग पास सुपरा है ना वैसी ये भी है, इवोल्यूशन की बहुत फेमस गाड़ियां है भाई, मैंने सुना बस है, ज़्यादा देखा नहीं है उसे, बहुत रेयर गाड़ियां होती है। लेट्स गो, अरे यार SVT मिल जाती भाई, SVT कोबरा टोयोटा की यार। ओके एक और लास्ट स्पिन है, ये देखते हैं क्या मिलता है अगर आप कोई स्पिन के ऊपर। लेट्स गो, फोर्जा होराइजन एडिशन एक कार मिली है भाई, ये फायर बर्ड ट्रांस, ये गाड़ियों को बेच दूंगा भाई। ओके इसको सेल करो, 2,50,000 मिलेंगे, बेच दूंगा बेच के कोई मतलब नहीं है, इसको ट्राई करेंगे। ओके एटलीस्ट एक बार ट्राई करते हैं, एड टू गराज करो, एड टू गराज मैंने कर दिया, अभी इसको एक बार ट्राई करते हैं फिर भाई मैं दिखाता हूँ। ओके लेट्स गो, 15,000 रुपए मिले ठीक है, चलो इतना ही काफी है यार। मैंने ना बहुत सारे व्हील स्पिन खोले हैं ठीक है, लगभग कह लो 3,000-4,000 व्हील स्पिन खोला है मैंने, सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाके देखना अगर आपको व्हील स्पिन देखना है तो भाई। लकीस्ट व्हील स्पिन 3 दिन पहले ही मैंने खोला है। वैसे वो फायरबर्ड वाली कार कहाँ है भाई, यार मेरे पास टोटल 700 प्लस कार है, ढूंढने में रात हो जाएगी लग रहा है भाई, इतनी सारी गाड़ी मैंने जमा करके रखी है यार मजाक से। टोनी सेक का तो कलेक्शन है भाई, लैम्बोर्गिनी का भी ऑलमोस्ट ऑल सारा कलेक्शन है मेरे पास, इवन एक एक गाड़ी दो तीन तीन बार मैंने खरीद रखा है सेकंड हैंड में यार, क्या ही बताऊं आप लोगों को अब। खैर छोड़ो यार कसम से मुझे मिल नहीं रही भाई वो जो गाड़ी अभी हम लोगों ने खोला, कोई बात नहीं दूसरी गाड़ी लेते हैं, बस गाड़ियों की कमी है क्या। ओके सो हम लोग जाने वाले हैं यार अभी एक ड्रैग रेस में, तो उसके लिए मैं एक नई लैम्बोर्गिनी लिया हूं, लैम्बोर्गिनी वेनानो। ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव भाई, 15 मिलियन की कार है यार,
इसको लेने में भाई पसीने छूट गए थे, मजाक से हट गया। फिलहाल मैप खोलो भाई, जाना किधर है ये वाले रेस में जाना यार, बहुत ही ज्यादा दूर है भाई, 8 किलोमीटर है वो देखो उधर दिख रहा है। लेकिन खैर ये गाइस यार वन ऑफ द फास्टेस्ट लैम्बोर्गिनी है भाई, मल्टी कलर लैम्बोर्गिनी है, जिधर से देखो वो कलर दिखेगा, पर्पल एंड ब्लू का मिक्सअप है कह लो यार। खैर स्पीड दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी का, अभी मैंने थोड़ा सा इस गाड़ी में ऐसा सेटिंग किया है कि लाइक ये गाड़ी स्पीड नहीं दिखेगी लेकिन कंट्रोल पूरी है भाई गाड़ी में। ये देखो मैंने पहले इसे स्पीड के रूप में मॉडिफाई किया था लेकिन स्पीड के चलते यार कंट्रोल बिगड़ रहा था यार। या तो आप ड्रैग ट्यून करो, या तो ड्रिफ्ट ट्यून करो, या तो कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मतलब जमे भाई। भाई कसम से खेत वेत में घुस जा रहा हूँ इस गाड़ी को लेके मैं यार। लेकिन खैर आज हम लोग जो लैम्बोर्गिनी खरीदने वाले हैं ना, वो इस लैम्बोर्गिनी का भी बाप है, ठीक है। उस लैम्बोर्गिनी का नाम चलो मैं रिवील कर देता हूँ, उस गाड़ी का नाम है लैम्बोर्गिनी डियाब्लो। ओके नाम बड़ा आप में से बहुतों को यार पहली बार सुना सुना लग रहा होगा यार, ज्यादातर एवेंटाडोर, हुरेकन, वेनेनो, इसेंजा ऐसी गाड़ियां ज्यादा फेमस है लैम्बोर्गिनी की, या उरस वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये डियाब्लो ये कौन सी गाड़ी है भाई, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा मुझे पता है, बट ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है ना ब्रो, भले आप लोगों को उसका लुक पसंद ना है लेकिन वो इसका भी बाप है। लैम्बोर्गिनी सेंटिनेरियो, एवेंटाडोर, हर एक कार का बाप है, मजाक से हटके भाई इतनी तगड़ी कार है वो, मैं झूठी तारीफ कसम से नहीं कर रहा हूँ यार। इवन पता है मैं मजाक नहीं करूंगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। ओके मैं उस गाड़ी से भाई, ये तो ऑफ रोडिंग आ गए, ऑफ रोडिंग स्टेयरिंग हिल रहा है, ऑफ रोडिंग यार यहाँ पे अपने को ऑफ रोडिंग गाड़ी। आज भाई अपन लैम्बोर्गिनी खरीद ही रहे हैं तो यार लैम्बोर्गिनी गाड़ी अपारस भी है, येलो कलर की, कंप्लीट मॉडिफाइड भाई, तुम्हारा भाई गरीब नहीं है यार, फुल पैसा है मेरे पास। मजाक कर रहा हूँ भाई, कमाया है मैंने यार। चलो खैर उरस अपनी आ गई है भाई, एंड ऑफ रोडिंग के लिए उरस इज द बेस्ट। और सामने दो बंदे दिख रहे हैं भाई आईजी वगैरह, यार ड्रैग तो फिलहाल अभी नहीं करूंगा मैं, लैम्बोर्गिनी डियाब्लो खरीदेंगे उसके बाद ड्रैग वगैरह करने का मैं सोच सकता हूँ। राइट क्या चल रही है भाई, गंदी हो गई है यार। लेकिन बैक इन द हाईवे विद दिस उरस, लेट्स गो। रुको भाई ये वाली उरस नहीं चलाने वाला मैं, सिटी आए हैं ब्रो तो अपने को भगाना है भाई यार, ज्यादातर लोग शहर में भगाते ही नहीं है लेकिन मैं तो भगाऊंगा। और कौन सी गाड़ी में भगाऊंगा गैस करो भाई, जी हाँ लैम्बोर्गिनी सेस्टो, ये गाड़ी भाई मां कसम क्या गाड़ी, पटाखे फोड़ती है इतना तगड़ा और भागती भी भाई गॉड लेवल। मैं आपको इस गाड़ी का एक बार साउंड सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं साउंड फुल कर ये सुनो, भाई क्या आवाज है भाई, इसको कहते हैं साउंड। लेट्स गो। ओके सो लेट्स गो गाइस, यार चलते हैं लैम्बोर्गिनी सेस्टो में, ये वन ऑफ द लेजेंडरी कार है, आई मीन अल्टीमेट लेवल लेजेंडरी भाई, ये नॉर्मल लेजेंडरी भी नहीं है ब्रो, द गॉड कार भाई। ये गाड़ी 300 में कंट्रोल होती है, ये देखो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मैं, लेकिन यार मजाक से हटके होती है भाई ये गाड़ी, 100-200 में चलाने के लिए बनी नहीं है ब्रो, एंड इसी से मैं ड्रैग रेस करूंगा, राइट यही जीताएगी भाई। ओके देख रहे हो कौन सी गाड़ी भाई 250 की स्पीड में इतना प्यार से मुड़ती है। ओके 250 छोड़ो, ये 300 पकड़ती है, वो भी क्या स्पीड से भाई। ओके लेट्स गो, पहुंचने वाले हैं एंड पहुंच चुके हैं भाई। हो सकता है आज का एपिसोड लंबा हो यार लेकिन बोरिंग कभी भी नहीं। लेट्स गो बैक इन द ट्रैक, सोलो रेस, एंड भाई काफी लंबा ट्रैक होने वाला है, 8-9 किलोमीटर का, एंड इन लोग बोल रहे हैं भाई GTR पकड़ लो, निसान की GTR, निज्मो या लाफरारी भाई, लाफरारी भी मैं तो चलाऊंगा, पोर्शे भी नहीं भाई, ये को चलाना है सर तो, जो मैं अभी चला रहा हूँ ना यही गाड़ी चलाऊंगा, एंड ये गाड़ी की पोटेंशियल देख फटके चार हो जाएगी भाई, ये गाड़ी पावर देख। लेट्स गो वी आर ऑन द ट्रैक एंड देख सकते हो भाई ब्यूटीफुल बुगाटी चिरोन आई थी गोल्डन कलर की, एंड रेस चालू। Let's go भाई रेस की शुरुआत, यार मैं लैम्बोर्गिनी में हूँ एंड सामने देख सकते हो भाई एक से एक कार है, एंड यार वो बुगाटी वाले का नाम डेट्रैक्स है, वाओ कौन है भाई, मेरा नाम लिख के आ गया गेम में। ओके लेकिन कोई बात नहीं, पार करेंगे। शिट मेरी गाड़ी भाग रही है भाई, लेकिन इन लोग की गाड़ी भी भाई कम मॉडिफाइड नहीं है, स्पीड देख रहे हो, इन लोग भी 350 में। ओके ये बहुत महंगी रेस है यार कसम से भाई, इतने तेज रेसर्स यार मेरे पैर दर्द दे रहे हैं भाई इस ब्रेक वगैरह लगाते लगाते। ये देखो भाई जोंडेक पगानी की कार भाई, ये जो सामने गाड़ी आप देख रहे हो ना वन ऑफ दी पावरफुल कार है। ओके मुझे नजर नहीं हटाना चाहिए भाई, शेट यार एक सेकंड की गलती भाई। ओके उसका वो टूटा, ओके शेट शेट मेरा भी टूटा, नहीं 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 आराम से ट्रैक्स, चल 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 भाई ये रेस जीतना बहुत मुश्किल होगा, आई थिंक सो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ओके ठीक है तेरी तो भाई तुम लोग पंगा किससे ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ब्रो डेट्रैक्स गेमिंग कौन है। ओके यार ये तीन बंदे हैं जो सबसे ज्यादा भगा रहे हैं इन्हीं लोग ही लगता है। शिट भाई गंदा वाला टक्कर हो गया था लेकिन मैं बच गया। ओके शिट 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 ओके वो बंदा ठुक गया भाई, बेचारा ठुक गया मेरी वजह से। ओके लेट्स गो भाई, मेरे को डर लग रहा है यार बहुत तेज चला रहे हैं भाई लोग गाड़ी, मजाक नहीं करूंगा, वो स्पीड देखो, वाओ वाओ मैं गया, इतना ज्यादा स्पीड पकड़ रहे हैं ना यार डर लग रहा है मुझे। ये देखो भाई, ओके शिट 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 ओके कंट्रोल है। ओके मैं यार ब्रेक का यूज नहीं कर रहा हूँ ना आगे निकलने के लिए। ओके ये लोग यूज कर रहे हैं, ये देखो मैं ब्रेक का यूज किया अब जाके हुआ। ओके अब फर्स्ट पोजीशन में हूँ, लेट्स गो अब जीतना है भाई, अब जीतना है। ओके
आराम से डट ट्रैक्स लोग जस्ट मेरे पीछे हैं भाई। एक छोटी सी गलती में फिर से सेकंड हो जाऊंगा यार, एंड आई डोंट वांट टू बी द सेकंड पर्सन भाई। मुझे ये रेस जीतनी है ब्रो, ओके भाई। मैं जैसे ही एक्सीलेटर से पैर उठाता, गाड़ी पटाखा फोड़ना चालू कर देती है भाई, भग 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 करके। ओके ओके, कोई सीन नहीं है भाई, मैं फर्स्ट हूं, मेरे को फर्स्ट रहना है भाई। पहली बार मैं घबरा रहा हूं पता है रेस जीतने के लिए, ओके क्योंकि यार अब मैं बहुत ये गेम को बहुत खेलने लगा हूं ना, तो यार मेरा मिशन थोड़ा मेरा लेवल थोड़ा ज्यादा हो चुका है। तो जो प्लेयर आ रहे हैं भाई हाई लेवल के आते हैं, नहीं शिट 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 शिट, नहीं 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 मुन्ने लोग नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कंट्रोल हो जा। ओके शिट शिट, दो आगे निकल गया, वो दोनों ही साल लोग बहुत भगाड़ रहे हैं। ओके यार रेस खत्म होने को आया है, ओके थोड़ा सा अच्छा खासा आगे जा रहा है, मैं अभी भी ओवरटेक कर सकता हूं लोगों को, बस गाड़ी पिकअप दे दे ब्रो। शिट भाई, ओके प्लीज प्लीज लैम्बो प्लीज लैम्बोर्गिनी सेस्टो प्लीज। ओके बहुत बड़ा मोड़ है अब, ये मौका अच्छा है ओके आगे निकलने का, उन लोग मोड़ में बहुत स्लो जाते हैं। Let's go. Gear down, please, 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 Lamborghini, please. भाई इसको पार कर दिया मैंने, हट जा, okay? Let's go, भाई पूरा गियर का खेल है ब्रो, गियर का खेल है सिस्टम, okay? गियर डाउन यार, गियर अगर मैं सही टाइम पे नहीं लगाया ना मेरा गेम बच जाएगा भाई, ऐसा सिस्टम है मेरा। मतलब भाई ऑटोमेटिक में चलाऊंगा ना तब अच्छे से चलेगा, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू बी द ऑटोमेटिक प्लेयर। Let's go. Drift, भाई ड्रिफ्ट नहीं हुई यार, ये गाड़ी ड्रिफ्टिंग वाली नहीं है ना। खैर ड्रैग रेस जीत चुका है तुम्हारा डट्रैक सर, पहली बार मैं इतना पैनिक होकर ड्रैग जीता हूँ पता है, लाइक धक 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 हार्ट बीट सुनाता है यार आप लोगों को माइक में, लेकिन उतना महंगा माइक नहीं है ना, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, थोड़े पैसे वैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हारा भाई यार बैकग्राउंड ब्लर DSLR वगैरह लगा के भाई फुल हीरो बनेगा, बट क्या कर सकते हैं यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई। ये वीडियो पे 50,000 लाइक्स का, मैं हर वीडियो में एम रखता हूँ यार, पूरा ही नहीं करते हो भाई। इवेंट कंप्लीट, 5,000 एक्सपीरियंस, पैसे बताओ भाई पैसे। ओके 14,000 रुपए मिले हैं, हालांकि बहुत कम है बट स्टिल भाई ठीक है, एक्सपेक्टेशन था मेरे को कितना ही मिलेगा भाई ये ड्रैग रेस में। ओके लेकिन भाई गाड़ी की स्पीड देख रहे हो, कंट्रोल देख रहे हो, ओके शिट गए 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 भाई मनालियों के वादियों में भाई ये जगह ना मुझे मनाली वाला फील दिलाता है। कौन कौन यार मनाली नॉर्थ साइड तरफ से, दार्जिलिंग वार्जिलिंग तरफ से, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, वो प्लेस बहुत पसंद है। फिलहाल भाई पैसे तो मिल गए और ज्यादा तो नहीं मिले हैं, बट स्टिल जितने भी मिले हैं उतने में आई गेस मैं अपने और पैसे मिलाऊंगा, तो सेकंड हैंड मुझे लैम्बोर्गिनी डियाब्लो डेफिनेटली मिल जाएगी। तो चलते हैं भाई घर, और अपने को यहाँ पे लेवल अप हो गए यार, एक स्पिन बनता है भाई, एक स्पिन मिला है। ओके लेट्स गो, स्पिन करते हैं, क्या मिलेगा गेस करो, गाड़ी मिल जाए प्लीज यार, कार। ओके 1,25,000, नाइस भाई अच्छा है, पैसे की तो जरूरत है भाई। एक और यार दो स्पिन मिले भाई, एक और कुछ प्लीज महंगा। ओके RS की फोर्ड मिली है, एपिक कार है, बेचने में अच्छा पैसा मिलेगा। ओके और कुछ यार, ये गाड़ियों को बेच दूंगा भाई मैं, पैसे पैसे भाई। ओके एक और कुछ ऊपर वाली, उनको मोटर स्पोर्ट मिल जाती है F9 फॉर्मूला 1 का, मजा आ जाता है यार इस बार कुछ प्लीज प्लीज प्लीज। जैगवार भाई, ऊपर आई पैक जैगवार है यार, जैगवार दे देते यार एटलीस्ट, क्या जाता जैगवार मॉडिफाई करवा लेता। अब कुछ 50,000, ओके ठीक है 50,000 ठीक है, कम है लेकिन ठीक ही है। एक और वार स्पिन, ओके क्या मिलेगा, गैस करो भाई 20,000 रुपए यार, चलो ठीक है इतना भी काफी है। यू नो गाइस यार, जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए भगवान का। खैर अपन चलते हैं भाई घर, और कौन सा वाला घर जाए भाई, ये वाला घर तो नहीं जाऊंगा, इधर धूल डस्ट भाई बहुत मिट्टी है, कोई शांति वाला। ओके ये वाला घर, ये हाईवे के भी पास भाई, यहाँ पे एक नया घर है पता है, यही कहीं आया है नया घर, मुझे वो खरीदने का मन है। ओ ये वाला होनीगंज चलते हैं, ये आप लोगों को नहीं दिखाया यार, मैं थोड़े दिन पहले इस गेम को खेल रहा, वीडियो नहीं बनाया माफ कर दो यार, मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया एंड मैंने नया नया शहर खोल दिए ठीक है। ये बाजा होराइजन फेस्टिवल है, आई डोंट नो ये क्या है, थोड़ा आउटपोस्ट एरिया लाइक बंजर एरिया है भाई, पबजी का मैन मार है ठीक है, मिरे मार है सॉरी मैन मार नहीं। चलो खैर अब यहाँ पे गाड़ी खरीदते हैं भाई, गाड़ी क्या चमक रही है भाई मेरी, ये देख रहे हो फटाका क्या बोल रही है भाई। चलो होराइजन बाजा जगह का नाम है यार, होराइजन बाजा, ये मैं दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ। ओके तो पहले मैं आप लोग को कार दिखा देता हूँ जो मुझे लेना है, राइट लैम्बोर्गिनी डियाब्लो, पहले नई वाली दिखाता हूँ कितनी महंगी पड़ रही है वो ठीक है। लैम्बोर्गिनी यार आप में से बहुत लोग डिसअपॉइंट हो जाएगा, डट्रैक्स भाई क्या बोल रहे हो यार, ये गाड़ी थोड़ी भागेगी। ओके मैं बात कर रहा हूँ इस लैम्बोर्गिनी डियाब्लो SV1997 मॉडल, ओके बहुत पुरानी कार है, बहुत लाइक आज से कह लो 25 साल पुरानी कार है ठीक है ठीक है। ये उसके बाद लैम्बोर्गिनी सेस्टो आई जो मैं अभी चलाता हूँ, मेरा फेवरेट, जिससे हम लोग ड्रैग रेस जीते अभी वाली, उसके बाद है ये एवेंटर्ड, और फिर ये यार मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर ये वीडियो पे ना ज्यादा नहीं भाई 50,000 लाइक्स का एम करवा दूं मैं, जितनी भी लैम्बोर्गिनी दिख रही है ना, हुरेकन SC और उरस वगैरह है जो मेरे पास नहीं है राइट यार, दो तीन गाड़ियां नहीं है, ये सब नहीं है मेरे पास, पुरानी पुरानी लैम्बोर्गिनी, और नहीं मैं इसेंजा सेंटिनेरियो और कुछ कुछ गाड़ी
गाड़ियां जो नहीं है मैं कंप्लीट कलेक्शन खरीदूंगा लैम्बोर्गिनी की, अगर आप ये वीडियो पे 50,000 लाइक्स करवा देते हो। ओके 50,000 लाइक्स या फिर 4,00,000 सब्सक्राइबर इफ यू वांट जल्दी से जल्दी दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब भी कर दो लाइक भी कर दो। ओके एंड मेहनत तो मैं करूंगा आप लोगों को बस बटन दबाना है, यही बात है यार। बाकी देखो मेन चीज है डियाब्लो खरीदना है यार, सस्ती है 1,75,000 की है भाई, बहुत सस्ती है यार ये गाड़ी तो भाई, पहले स्पिन व्हील जो मैंने खोला था उसी में खरीद लेता मैं। ठीक है इसको खरीदेंगे 1,75,000 में मिलती है, नहीं नहीं सेकंड हैंड में देखते हैं कितनी महंगी मिलती है, अगर सेकंड हैंड में भी अच्छा खासा प्राइस मिलेगा तो डेफिनेटली भाई खरीद लूंगा, सस्ते में तो मिल गया मिल जाए। लैम्बोर्गिनी की भाई एक से एक सेल लगती है भाई, सेल देखना आप बस। ओके हुरेकन लगी है, सियान रोडस्टर भाई ये देख रहे हो 2 मिलियन की कार है ब्रो, डियाब्लो ये देखो लगी है 1,22,000 सस्ती लगी है, इवन ये स्टॉक है एवेंटाडोर, मुर्सी लैगो मुझे खरीदनी है भाई, ये वाली मेरे पास नहीं है यार, बहुत एपिक कार है भाई ये, सेंटिनारियो ये है मेरे पास आई गेस, हुरेकन परफॉर्मेंटे ये भी है, रोडस्टर भी है यार। मैं ये वीडियो में कंपेयर करके दिखाता हूँ ठीक है, डायब्लो का कितना स्पीड है एंड बाकी ये सेस्टो रिवेंटॉन ये भी मुझे खरीदना है यार, ये सब लिमिटेड एडिशन कार थी भाई, मार्केट में नहीं मिलेगी ये सारी गाड़ियां, सेकंड हैंड ही खरीद सकता हूँ मैं यार, है ही नहीं भाई डायब्लो, एक ही तो बिक्री हो भी ये 2,00,000 में बेच रहा है बंदा, नहीं भाई इससे अच्छा नया ही खरीद लेते हैं यार। चलो कहां गई ये वाली ना डायब्लो, देखने में आप लोगों को लग रहा होगा गाइस कि ये क्या गाड़ी है यार, क्या गाड़ी बोल रहे हो डेट्रैक्स भाई, थोड़ी भागेगी, जलवा देखो यार, इंतजार का फल मीठा होता है यू नो। ये देखो भाई टार्जन द वंडर कार वाला कलर है, ये नीचे वाला देखो ना पर्पल, मुझे बताओ पर्सनली यार ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, ब्लू अच्छा है, ये टार्जन द वंडर कार वाला कलर भी अच्छा है, ये कलर देखो ना कैंडी रेड पर्पल, लेकिन इसमें डिजाइन अच्छा नहीं दिखेगा ना, ये लेते हैं ब्लू, ब्लू इज माय फेवरेट कलर एंड 1,74,000 रुपीज यहाँ पे उड़ाते हुए। प्लीज गाइस ये वीडियो पे इतना लाइक व्यूज करवा दो, लाइक तो छोड़ो हो नहीं पाएगा, व्यूज ही दिला दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को। ओके लेट्स गो भाई, क्या मिलेगा गेस करो भाई, इसे कहते हैं ओ इसका आंख खुलता है ऐसा, ये देखो भाई डैम आंख वाली गाड़ी है, बंद हो जा भाई, क्या गाड़ी है ब्रो, लेट्स गो, डिक्की खुलेगा क्या, डिक्की खोलो। ओके भाई बहुत स्पेस है यार सामने भाई। ओके कुशन्स वगैरह भी दिए हुए हैं लाइक रखने के लिए सामान वगैरह, इंटीरियर भी देखेंगे, पीछे का खुटता है क्या, हाँ खुलेगा, इंजन वगैरह देख सके, कौन सा इंजन लगा हुआ है, फायरिंग ऑर्डर, अच्छा आग लग जाता है क्या इसमें भाई, लैम्बोर्गिनी का इंजन लगा हुआ हाई टेम्परेचर, ये बहुत गर्म हो जाएगा यहाँ पे भाई, वेंट देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, V12 इंजन वो, अरे यार क्या हो गया, गाड़ी का इंटीरियर दिखे ही नहीं भाई, इंटीरियर खोलो यार। ओके भाई गेट ऊपर है ना, इतनी पुरानी गाड़ी भाई 1997 की गाड़ी का कांच ऊपर उठता है बताओ। ये देख रहे हो लोगो भी पुराना वाला लैम्बोर्गिनी का है, नया वाला भी नहीं है, ब्लू कलर का, और गियर भाई बस में रहता है ऐसा गियर बॉक्स यार, 1, 2, 3, 4 भाई 4 गियर की गाड़ी है, आई मीन 5 गियर, पहला रिवर्स, इंडियन कार वाला वाइब आ रहा है भाई गियर बॉक्स देख के, इंडिया के सारी गाड़ियों को ऐसी गियर बॉक्स होता है राइट। चलो ये गाड़ी हो गई, अब गाड़ी को थोड़ा मैं मॉडिफाई करवा लेता हूं, लाइक गाड़ी की स्पीड वगैरह कितनी रहेगी। ओके सब एक एक पार्ट्स वगैरह बैठ के लगाएंगे, आराम से चिल मारो भाई, पहले इंजन देख लेते हैं, इनटेक भाई ये तो लगाऊंगा मैं रेस वाला ताकि पिकअप अच्छा मिल सके, और रेस इनटेक मैनिफोल्ड ये क्या है भाई, ये तो नया चीज दिख रहा है मुझे यार, ये पुरानी भी गाड़ी है ना, तो यार कुछ कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आई डोंट नो मुझे पहली बार पता चल रहे हैं, मैंने पहली बार इन सबका नाम सुना है। ओके स्पोर्ट्स रेस रेस एग्जॉस्ट, ये क्या वेल्व्स है भाई, इंजन चेंज हो जाएगा क्या इससे, वेल्व के वेल्व्स लगाओ यार रेस वाला, डिस्प्लेसमेंट भी रेस वाला, पिस्टन ये तो भाई रेस पिस्टन लगेगा, वो भी कंप्रेशन वाला ब्रो, स्पीड चाहिए ब्रो अपने को, फ्लाई व्हील इससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ओके फर्क पड़ता है यार, फ्लाई व्हील हो गया, हैंडलिंग वगैरह देख लेते हैं, ब्रेक लगा दूंगा डिस्क ब्रेक, एक ये वाला ब्रेक है देखो स्पोर्ट्स ब्रेक है जो ना व्हाइट दिख रहा है, और ये वाला ब्रेक है रेस ब्रेक ब्लैक दिखता है, ये फास्ट अच्छे से लगता है और एफिशिएंट भी है भाई ये, तो यही लगाते हैं एफिशिएंसी इसमें ज्यादा है राइट। स्प्रिंग वगैरह डैमेजेस झेलने के लिए भाई ग्राउंड क्लियरेंस की मेन बात है, गाड़ी ये हाइट है गाड़ी का, ये हो जाएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है कौन सा लगा, ऑब्वियसली भाई परफॉर्मेंस इसमें ज्यादा है, ड्रिफ्ट वाला लगा दिया है मैंने यार, ड्रिफ्टिंग भी अच्छा होगा, भागेगी भी गाड़ी अच्छी। ओके बाकी भाई स्पॉइलर देख लें, सामने कुछ बंपर लगेगा क्या, ओके नीचे ये लग जाएगा जैसे ये है ना प्लेन है नीचे कुछ नहीं है, अब देखो ये टो वगैरह करने के लिए, लेकिन इससे स्पीड गिर जा रही है तो आई डोंट थिंक सो ये लगाना ठीक रहेगा। स्पॉइलर देखते हैं भाई, ओके एक नॉर्मल स्पॉइलर है और एक डायब्लो की स्पॉइलर है, नहीं नहीं भाई वाओ भाई वाओ वाओ वाओ। मैं आप लोग एक चीज बताऊं, मैंने गलत वाली लैम्बोर्गिनी खरीदी है पता है, मैं वही सोचा मैंने सोचा इस गेम की इतनी स्पेशल कार, इतनी फास्टेस्ट कार 1,00,000 रुपए में कैसे बिक रही है। ओके ये वो लैम्बोर्गिनी डायब्लो है जो मुझे खरीदनी थी, मैंने गलत लैम्बोर्गिनी खरीदी यार, लेट्स गो भाई, मैंने एंड टाइम पे चेक कर लिया वरना बहुत डिसअपॉइंट होते यार, ये GTR है, ये 1999 की है, ये उसके बाद आई थी राइट, पहले आई थी डायब्लो नॉर्मल स्टॉक मॉडल, ये डायब्लो GTR है। ओके ये खरीदना है मुझे भाई, और ये सेकंड हैंड में ही मिलेगी, और कोई बेच भी रहा है इसे भाई $1.2 million की भाई, चलो खरीद लेते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है यार, वैसे ही हम लोग जितने स्पिन के होंगे 8-9 लाख रुपए तो आ ही गए होंगे यार। चलो भाई खरीद रहे हैं हम लोग इसे एंड देखते हैं क्या यार, ये सब गाड़ियां क्या होती है ना कि भाई जो फोर्जा का शॉप है ठीक है वो रियल कार का शॉप होता है जहाँ पे गाड़ियां बिक जाती है एंड गाड़ी सेकंड हैंड मार्केट में बहुत लोग महंगे में बेचते हैं, देख सकते हो ये गाड़ी मैंने खरीद लिया राइट, लाइक द कार, लेट्स
लेट्स गो भाई, डियाब्लो जीटीआर फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा यार। ओके, मैंने क्लेम कर दिया गाड़ी को, अब मेरे गैराज पे आ गई है। ठीक है, ये मेरे पास जो है पीछे दिख रही है वो डियाब्लो है। ओके, जीटीआर नहीं है वो जीटीआर मार्केट में नहीं मिलती भाई। ये एक तो फैक्ट है, कोई कोई ऐसी गाड़ी है ना जो गेम में बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम, तो वही वाली बात हो जाती है राइट। चलो मैंने ये ले तो लिया है और ट्यूनिंग वगैरह देख लेते हैं भाई। देखो यार, मैंने इस गाड़ी को सेकंड हैंड खरीदा है, गाड़ी ऑलरेडी मॉडिफाइड थी और मैंने अभी थोड़ा बहुत खर्चा किया है। गाड़ी में पहले 11,000 हॉर्स पावर थी, पीक पावर, ठीक है, मैक्स टू मैक्स इतना जनरेट करती थी राइट। अब इसमें टोटल है 1500 हॉर्स पावर की कार, समझ रहे हो, और वो 12,000 रुपए लग रहे हैं। सेकंड हैंड खरीदने में ये फायदा होता है यार, भले कार महंगे में मिलती है लेकिन मॉडिफिकेशन सस्ते में हो जाता है। चलो भाई, गाड़ी तो हो गई कंप्लीट एंड पेंटिंग शेंटिंग देख लेते हैं, कुछ अच्छा कलर वलर मिल जाए। ओके, इसमें मिल रहा है भाई कलर ऑप्शन, गोल्डन है भाई ये देखो ना, लेकिन मुझे इसे गोल्डन कराने का मन नहीं है। देखते हैं कौन कौन सा बहुत चलता है यार। यहाँ पे सारे कलेक्शन है, कलर है, ब्लू है, रेड है, ऑरेंज है। भाई ये डिजाइन देख रहे हो यार गाड़ी पे, ब्लू कलर की है। ओके गाइस, मैं ये वाला कलर कर रहा हूँ यार, बहुत ही चटक मटक कलर है, बहुत ही चटक मटक भाई यार, थोड़ा सा क्रीपी लग रहा होगा बट इट्स अ जीडीएम कार गाइस यार, लैम्बोर्गिनी की पुरानी मैच। मैं को कैसा लगता है पता है, फील क्या होता है, जो ओल्ड कार होती है राइट, ओल्ड कार को ना जितना फैंसी, जितना चटक मटक, भाई क्या कार है ब्रो, ये कार है कि क्या है भाई, क्या दिख रही है मम्मी कसम भाई, क्या दिख रही है कार भाई, दिस इज नॉट अ कार, इट्स अ हाहा कार भाई, लेट्स गो। ये डिक्की है, सेम है, इसका कांच ऊपर उठता है क्या, नहीं इसका कार नहीं उठता, ये नई वाली है ना यार भाई, बैंड भाई क्या दिख रही है भाई। ओके, ये उठता है क्या, ये क्या ब्रो, ओके ऐसा ही। ओ भाई इंजन देखो भाई, V12 6.2 लीटर का इंजन था भाई, V12 इंजन ब्रो, अब के लैम्बोर्गिनी में भी नहीं लगता है भाई V12 इंजन जो इसमें लगा हुआ है ब्रो। एटलीस्ट ये 1500 हॉर्स पावर की कार है, 1500-1800 हॉर्स पावर की कार होगी। ओके लेट्स गो, अपन आ चुके हैं यार और थोड़ा रात वाला माहौल हो चुका है। गाड़ी का लुक देखो भाई, फटाका फोड़ती है क्या, नहीं। ओ भाई जो गाड़ी का कलर है, फ्लेम भी वही कलर का, देखो ना गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ, रुक जाओ आप लोगों को ये सुनो। आ रहा है ना मजा। ओके गाइस यार, सुबह हो चुकी है। ओके, मैंने यार एक घंटा वेट किया है एंड अब देखो गाड़ी का लुक। वैसे बरसात हो रही है बट यार मैंने यार थोड़े सस्ते वाले अलॉय व्हील लगा दिए, लग रहा है यार। ये एक्सटीरियर है और फटाके तो खैर फोड़ती नहीं है, एंड इंटीरियर में दिखा दो तो भाई काफी सिंपल सा है यार, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे भाई, 2000 समझ रहे हो, 20 साल पुरानी गाड़ी है। ओके, एंड मैं कहां ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक में जा रहा हूं यार, एंड कीचड़ भी है तो भाई गाड़ी गंदी हो सकती है, अपने को सीधा चलना चाहिए हाईवे। एंड चलो मैं आप लोगों को चांस दे रहा हूं, गेस करके बताओ गाड़ी की हाई स्पीड कितनी होगी, क्या ये जेस्को को टक्कर दे पाएगी। मैं इवन मजाक नहीं कर रहा, मैं कोनी से एक जेस्को के साथ इस गाड़ी को टेस्ट करने वाला हूँ कि किसमें ज्यादा है दम। पिकअप भी देख रहे हो भाई, लाइक मजाक से हटके भाई, दिस कार इज फ्रीकिंग इनसेन भाई। बस कीचड़ है बोल के यार थोड़ा टायर फिसल रहा है यार, चक्के मैंने शायद से थोड़े सस्ते वाले लगा दिए यार। इधर मैं पहली बार आया हूँ यार, शहर जगह नया नया ऐसा लग रहा है। यहाँ पे बर्फ गिरा है, बर्फ गिरा है, आई डोंट नो क्या सीन है, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्फ गिरा है भाई। अब यहाँ पे बालू है, रेती है, क्या है क्या, ये जगह प्यारा है ना, मजाक से हटके यार ये जगह घर खरीदूंगा यार मैं भाई। उधर रेती बालू तरफ रहता हूँ मैं भाई, उधर मतलब यार ऐसी लैम्बोर्गिनी लेके थोड़ी निकालूंगा भाई उधर। यार अचानक से गेम लैग कर रहा है भाई, कहा है भाई, वोल्टेज लो है क्या यार, ये गाड़ी ड्रिफ्ट भी कर लेगी भाई, आई एम नॉट किडिंग भाई, ये गाड़ी ड्रिफ्ट कर सकती है लेकिन इस गाड़ी को कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। ये गाड़ी की स्पीड भले ज्यादा होगी ओके, लेकिन कंट्रोल करना थोड़ा सा। चलो भाई कैसे तैसे करके हो रहा है, इधर अपन आ चुके हैं एंड मैं आपको इस गाड़ी में ड्रिफ्ट दिखाऊंगा, 360 दिखाता हूँ। वैसे पानी गिरा है तो यार आई डोंट थिंक सो उतना अच्छे से हो पाएगा, और ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही पावर जनरेट कर रही है भाई। गियर डाउन करो, ओके पहला गियर में, ओ भाई गाड़ी तो फेंक रही है खुद को, इतना लंबा लंबा ड्रिफ्ट क्यों कर रही है भाई, ऑडी के छल्ले बना देगी। लेकिन यार पानी गिरा है तो धुआं उतना क्लियर नहीं उठेगा, रोड को पहले सूखने देना पड़ेगा। ओके सो अब कोई मस्ती मजाक नहीं, चलते हैं हाईवे एंड में आप लोगों को इस लैम्बोर्गिनी डियाब्लो की टॉप स्पीड दिखा, सॉरी डियाब्लो जीटीआर, ओके इट्स नॉट अ नॉर्मल डियाब्लो। ओके बैक इन द हाईवे लेट्स गो भाई, सुबह सुबह का वक्त है यार एंड गाड़ी क्या चमक रही है, आई एम नॉट किडिंग भाई, गाड़ी दो शेड में पता है, एक पर्पल और एक ब्लू। पीछे से देखो ये थोड़ा ब्लू ब्लू सा फील हो रहा है ना, अब ये कलर देखो, ये कलर पर्पल है, ये कलर पिंक है, ये देखो ये तो पूरा टार्जन एंड द वंडर कार है भाई। गाड़ी की टॉप स्पीड दिखाता हूँ कितनी जाती है, ओके आ जाओ 3-2-1 करते हैं, साउंड वाउंड तो मैंने आप लोगों को सुनाई दिया, ठीक है साउंड सुनना है, रुको मैं आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ। ये साउंड है ध्यान से सुनो यार, काफी प्यारा साउंड है, आई मीन यार ओल्ड लैम्बोर्गिनी के हिसाब से तो भाई बम। अब बारी आ जाती है टॉप स्पीड की यार, कोई बंदा नहीं है वरना ड्रैग कर लेता भाई, लेट्स गो 3-2-1 लेट्स गो भाई 0-100 ओके 2-3 सेकंड के अंदर 0-100 गाड़ी ने पकड़ा है। ओके
300 पार स्पीड देखो, आप स्पीड देखो, पिकअप देखो, इट्स अ फ्रिकिंग इनसेन भाई। 10 सेकंड भी नहीं लगे गाड़ी ने 400 पार कर दिया है, 450 टच। आज तक कोई लैम्बोर्गिनी को आप लोगों ने इतना तेज देखा है यार। ओके शिट शिट, आई एम नॉट किडिंग भाई, इट्स नॉट अ नॉर्मल कार। ओके ये कोई ऑर्डिनरी कार नहीं है, 450 टच कर चुकी है। शिट भाई टक्कर बहुत रहा हूं मैं, गलत रोड पे चला रहा हूं क्या? ओके लेट्स गो यार, अभी बल्कि गलत रोड पे हूं लेकिन इधर सही चल रही है। ओके शिट यार, स्टेयरिंग बहुत टाइट है भाई इसको चलाने में। मैं सोच रहा हूँ मेरा स्टेयरिंग में तेल वेल डालना पड़ेगा क्या, लेकिन यही गाड़ी बहुत ज्यादा टाइट है। ओके लेट्स गो, कंट्रोल हो रही है, 460 टच हुआ है अभी तक। ओके 464 टच हुआ है आई गेस। ओके लेट्स गो, चल थोड़ा और दे दे भाई। ठीक है 450, 460, ओके 460 दे दे भाई, 460 वैसे दे चुकी है गाड़ी, आई थिंक सो भाई। स्टेयरिंग बहुत हिल रहा है, मैं स्टेयरिंग से हाथ हटाऊं क्या? गाड़ी की हालत देखोगे? ओके कोई बंदा आ रहा है, ये देखो मैं हाथ हटाते साथ ही भाई डिस्ट्रक्शन भाई। लेकिन मजाक नहीं करूंगा, 450 भी भाई एक नॉर्मल लैम्बोर्गिनी के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल है। ओके और ये गाड़ी तो वैसे ही 20 साल पुरानी है भाई, 20 साल पुरानी गाड़ी में यार V12 इंजन 6.0 लीटर का, एंटी लैग तो नहीं है लेकिन ट्विन टर्बो इंजन तो था भाई। ओके तो मैं आपको यहाँ पे ड्रिफ्ट दिखाता हूँ, इवन सो अगर गाड़ी ड्रिफ्ट कर लेगी तो मजा आ जाएगा। ओके ये गाड़ी का ड्रिफ्टिंग पावर है जो कि बहुत अनकंफर्टेबल है, गाड़ी ड्रिफ्ट के लिए बनी नहीं है भाई, आई फील सो। कर रही है ड्रिफ्ट, लेकिन यार वही है अच्छे से नहीं कर रही भाई, जो ड्रिफ्ट होता है ना वो थोड़ा प्यार से होता है पता है, ये गाड़ी उतना प्यार से ड्रिफ्ट नहीं कर पा रही है। देखो ये ड्रिफ्ट हो गया, मतलब लाइक थोड़ा हैवी ड्रिफ्ट कर रही है, लाइक ये सर्कल मारने के लिए नहीं बनी है, इसका ऐसा है ड्रिफ्ट करो एंड निकलो, जैसे कि देखो मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके ऐसा ऐसा ड्रिफ्ट करो, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करो एंड वो देखो उधर तरफ से निकलना है, गाड़ी को सीधा बैलेंस बनाओ एंड वैसे निकल जाओ, ये गाड़ी का सिस्टम है राइट। बट यहाँ पे कोई बंदा आया भाई, ओके चैलेंज कर रहा है क्या मुझे? ओके सो ये गाड़ी का टॉप स्पीड हम लोगों ने देखा, कितना देखा भाई 450 ना। एक बार फिर चलते हैं रिटर्न, अब गाड़ी को मैंने थोड़ा कंट्रोल बेसिस पे बनाया। ओके चेट चेट चेट, गाड़ी उछल के भी बैलेंस बना ली भाई, स्पीड देख रहे हो इतना जल्दी स्पीड इसका बढ़ रहा है ना, आई एम नॉट किडिंग भाई, ये कोई नॉर्मल स्पीड कैचिंग नहीं कार है यार, 450 की गाड़ी भाई आराम से 20 से 25 सेकंड लग रहे होंगे मुश्किल से, ज्यादा से ज्यादा। ओके एक मिनट में तो ये 5-6 किलोमीटर पार कर देगी भाई। ओके शिट, ओके लेट्स गो, 460 टच कर यार, गाड़ी में मजाक नहीं करूंगा, बहुत वॉबल हो रही है भाई, बहुत ज्यादा स्टेयरिंग इसका कंट्रोल करना वाला बहुत मुश्किल है। ये देखो ना मैंने मुश्किल से मुश्किल गाड़ी चलाई है, ये गाड़ी और ज्यादा मुश्किल है पता है, और आगे एक डाउनफॉल आएगा तब आई गेस गाड़ी 465 टच करेगी राइट। भाई साहब गाड़ी उछल जा रही है, एक और गियर है लगाऊं क्या? नहीं 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 शिट यार, क्यों BMW रिवर्स आओ भाई, इतना स्पीड में था मैं पूरा गेम बिगाड़ दिया। लेट्स गो, थोड़ा और स्पीड दे दे भाई, थोड़ा सा और प्लीज, अभी ढलान है यहाँ पे बढ़ेगा स्पीड। ओके 460 टच, 462, 463, 464 दे दे प्लीज, 462 हाईएस्ट। ओके शिट 462 हाईएस्ट था भाई, ले देखे हाईवे में पहुंचा हूं मैं भी भाई। ये कौन, ये सब गाड़ी कौन चलाता है भाई, ट्रक व्रक चला रहे बंदे बताओ। एक यहाँ पे भी ड्रिफ्ट हो जाए यार, आज मौसम ऐसा लग रहा है धुआं उठने वाला है भाई। ओके बड़ा बड़ा ड्रिफ्ट में कर रही है भाई ड्रिफ्ट, वो भी ताबड़तोड़ ड्रिफ्ट कर रही है भाई, एकदम लंबा लंबा, ये सही है भाई गाड़ी का। ओके लेट्स गो यार, इतना लंबा लंबा ड्रिफ्ट कर रही है ना। ओके शिट 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 शिट, बहुत लंबा लंबा यार, मैं भी दूसरा गियर में ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, कहाँ से छोटा ड्रिफ्ट होगा, चल चल घूम 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 घूम। ओके और प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत मुश्किल है यार, भगाने के लिए गाड़ी बनी है भाई, ड्रिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो सके है सब चीज़। ओके लेट्स गो, मैंने कहा यार ये गाड़ी ड्रिफ्ट मार के भगाने के लिए, जैसे कि देखो मैं ड्रिफ्ट मारा, अब मेरे को यहाँ से स्पीड सीधा गाड़ी को कंट्रोल करना है, आई मीन सीधा करना है और भगाते हुए निकल, दैट्स इट भाई, गाड़ी का ये काम है। ओके ड्रिफ्ट करते रहने वाली गाड़ी नहीं है कि गोल 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 घूमते रहे भाई, भले धुआं निकाल रही है तगड़ा वाला पर खैर। ओके अब मैं आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी में कितना दम है राइट। जिन लोग बोल रहे होंगे भाई ये गाड़ी तो नॉर्मल है, 450 तो कोई भी गाड़ी दे देती है, चल मैं ये लैम्बोर्गिनी का कलेक्शन खोला हूँ, मेरा जितने पास है, जितनी भी गाड़ी है मेरे पास सब है यहाँ पे। ओके ये एसेंसा जो दिख रही है ये मैंने खरीदने की कोशिश की है, आप लोग बोल रहे होंगे भाई तुम्हारे पास तो है लेकिन इसको खोलने के लिए पैसे लगते हैं ब्रो, क्या बता। सो अपन यार एवेंटाडोर से चालू करते हैं। ओके ये मेरे पास है एवेंटाडोर, ये रही भाई एवेंटाडोर है, सेंटिनेरियो सब दिखाऊंगा। ओके पहले एवेंटाडोर, ये है गाइस लैम्बोर्गिनी एवेंट
Aventador एंड इसकी टॉप स्पीड आप लोग गैस करो कितनी होगी। ओके, दिस इज अ ब्रांड न्यू कार Lamborghini की, भाई ज्यादा पुरानी नहीं है। एंड इसका टॉप स्पीड देखना आप लोग बौखला जाओगे। ओके, 0 to 100 आई गेस ज्यादा है, आई थिंक सो ज्यादा है। 4 टक टर्बो लगाया भाई पीछे। अंदर इंटीरियर देखो यार कैसा हो रहा है भाई, लाल लाल लालम लाल हो रहा है। चलो अब इसका फास्ट देखते हैं कितना आता है 0 to 100। ओके गाइस, यार वो Diablo से थोड़ी फास्ट है, 0 to 100 फास्ट है, लेकिन 0 to 400 भाई बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। Diablo की 0 to 400 बहुत ज़्यादा फास्ट है। ओके, ये देखो इतने देर में Diablo भाई एटलीस्ट 400 पार कर देती है, एंड ये 400 टच भी नहीं किए। ओके, 400 पार। गाड़ी का साउंड कितना गंदा आ रहा है भाई। ओके, 440, अभी तक 440 भी नहीं गई है। वो देखो वो गाड़ी 450 चले जाती है इतने देर पे। ओके, 460 उसका हाईएस्ट था, ये गाड़ी 436 गई है, 37 अभी तक गई है हाईएस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा ये 440 तक जाएगी, उससे ज़्यादा नामुमकिन है भाई। ओके, बढ़ रहा है, अभी भी स्पीड बढ़ रहा है। आई डोंट से कि भाई स्पीड नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा ढलान भी आएगा तो 440 भी टच करेगी, पर आगे उठाओ ही उठाओ दिख रहा है भाई, ढलान कम दिख रहा है मुझे। ओके, लेट्स गो, यहाँ पे ढलान थोड़ा सा स्पीड दे दे। आई डोंट थिंक सो भाई, इतना ही स्पीड है यार, 438 सेवन्थ गियर है और गियर भी नहीं है आगे। अल्टीमेट चेन भाई, बिना ठोके भगा रहा हूँ मैं गाड़ी इतना देर। हालांकि ये बात है गाड़ी पे पूरा कंट्रोल है मेरा, मैं हाथ हटा सकता हूँ, ये देखो स्टेयरिंग से हाथ भी नहीं है। हालांकि इतना तो होगा यार, 450 की स्पीड में गाड़ी सीधा तो नहीं चलेगी ना, सिंपल सी बात, टायर वगैरह बहुत घिसते हैं। आई कैन बेट कि ये कंट्रोल में रह सकती है, इससे मैं 400 पे ड्रैग रेस लगा सकता हूँ, उससे नहीं लगा सकता क्योंकि उसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है भाई। भाई सोच रहे हो V12 इंजन लगा हुआ है, वो भी 1999 की कार पे यार, ये कह लो नैनो में लगा दिए बुगाटी का इंजन, ऐसा वाला बात है। चलो खैर, मैं आपको एक और Lamborghini दिखाता हूँ, इससे भी महंगी, इससे भी फास्ट है Aventador, तो फिर भी ओवररेटेड। ये देखो तुम Lamborghini Sian मॉडल नंबर रोडस्टर। ओके, ये कार को देखो भाई, ये हरी भरी दिख रही होगी लेकिन ये ब्लू कलर की कार है यार। ओके, सामने से जो दिखेगा रेनबो कलर है एक्चुअल में, पीछे देख रहे हो भाई वो लाइट है। ओके, वो मत समझना एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो लाइट है। मैं स्टार्टिंग में सोचा ये जो लाइट जल रहा है ना लाल लाल पीछे सर्कल में, मैं सोचा भाई इतना सारा एग्जॉस्ट दिया भाई इस गाड़ी पे, फटाके भाई क्या फोड़ती है, मैं सोचा पूरा फोड़ेगी लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन स्टिल गाड़ी फटाके फोड़ती है। ये देखो इसका 0 to 100 देखते हैं कितना जाता है, फटाके तो ये भी फोड़ती है। साउंड, ओके साउंड सुना देता हूँ मैं आप लोगों को इसका भी, ये सुनो आप, बहुत तगड़ा है ना। चलो भाई 0 to 100। ओके, सबसे ज्यादा फास्ट, मजाक से हटके Aventador से भी फास्ट है इसका 0 to 100। ओके, एंड आई गेस 300 भी इसने भाई Aventador से जल्दी पकड़ा है, सेम स्पीड Diablo की स्पीड दे रही है Lamborghini, Diablo भी इतना ही जल्दी पकड़ती है। लेट्स गो, 400 पार इजीली, अब बस इसे 460 पार करता है तब जाके Diablo का स्पीड तोड़ेगी भाई। ये सारी गाड़ियाँ टॉप मॉडिफाइड है, इससे ज़्यादा ये मॉडिफाइड नहीं हो सकती भाई, 440 क्रॉस। ओके, 440 बस गई है गाड़ी, वो देखो भाई उसके ऊपर नहीं जा पा रही भाई। एंड ये मैं सोचना ये सब कम मॉडिफाइड है यार, रिवर्स करो भाई, मैं कैमरा चेंज कर रहा था, वरना यार ये गाड़ी कंट्रोल होती है भाई, इतना 400 में भी कंट्रोल है। ये देखो मैं स्टेयरिंग हिला रहा हूँ इतना, फिर भी गाड़ी कंट्रोल है, हाथ भी हटा दिया, ये देखो पूरा हाथ छोड़ दिया हूँ फिर भी फुल ऑन कंट्रोल, गाड़ी स्ट्रेट जा रही है भाई, स्ट्रेट जा रही है। मैं तो कुछ भी कर सकता, मैं खाना खा लूँ, फोन चला लूँ यार, व्हाट्सएप देख लेता हूँ भाई। ओवर, अरे अरे अरे, इतना ज़्यादा हो गया भाई, 440 के ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती है, यहाँ पे ढलान भी है यार आगे, एटलीस्ट इस गाड़ी को 450 देना था, ऐसा देख के लग रहा है ये गाड़ी 440 पे लॉक हो गई है। राइट, गियर डाउन करो। ओके, स्पीड दे प्लीज, थोड़ा सा दिया, शेट कितना ही दे देगी भाई ये गाड़ी, 440 के ऊपर गाड़ी जा ही नहीं पा रही है तो कहाँ से देगी यार। ये Lamborghini Sian रोडस्टर है, अभी की सबसे लेटेस्ट कार। ओके, अगर मैं सेंटिनेरियो वगैरह कभी स्पीड दिखाऊ ना, रुको सेंटिनेरियो भी दिखाऊ, हाँ ये भाग सकती है Lamborghini सेंटिनेरियो, ये सबसे महंगी कार है यार, $15 million की भाई। ओके लेट्स गो, ये Lamborghini सेंटिनेरियो गाइस, लेट्स सी गाड़ी क्या उखाड़ पा। 0 to 100 पहले मैं आप लोगों को दिखाया, साउंड इसका उतना कुछ खास नहीं है, ऐसे ही सुन लो यार, ठीक है चलो 0 to 100 देखते हैं। भाई इंटीरियर देखो भाई, फुल लाल हो जाता है यार, ब्लू से पूरा रेड होता है, वो कौन है आगे ड्रिफ्ट कर रहा है भाई। चलो 0 to 100 देखते हैं कितना जल्दी पकड़ती है गाड़ी, 1 2 3 लेट्स गो। ओके, ये भी अच्छा खासा, सारी गाड़ियां यार जो नई वाली Aventador और Lamborghini Sian रोडस्टर है उनको 2-3 सेकंड ही लग रहा है 0 to 100 पकड़ने में। एंड इसका पिकअप देखो, ये 300 सबसे जल्दी पकड़ी है। ओके, 400 भी अभी हिट करने वाली है, एंड फुल कंट्रोल है भाई, 400 भी हिट। ओके, ये तो उससे भी कमज़ोर लग रही है यार Sian से, Sian इससे जल्दी थी शायद। ओके नहीं, Sian को पार करेगी है, पार कर दी भाई, कर दी, थोड़ा सा और Sian से ज्यादा तेज है। ओके, Sian को पार कर चुका है गाड़ी,
लेट्स गो गियर अप में, फिफ्थ गियर में टिचाना जितना भी टिचाएंगे। ओके यार ये भी फुल कंट्रोल है भाई, ये देखो बस यार थोड़ा छिलना पड़ेगा, मैं आराम से भाई कंट्रोल कर सकता हूँ अगर कार वगैरह भी आ गई तो। भाई यही तो फायदा नई नई गाड़ियों का यार। 444 मैंने देखा है अभी तक, इससे ज्यादा जा थोड़ा सा और जा, नहीं इससे ज्यादा नहीं जा पाई। गियर अप कर, गियर अप मांग रहा है गाड़ी, लेकिन गियर दे दूंगा ना एक और अप तो गाड़ी का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा यार। अटका हुआ है भाई किस हिसाब से 444 में भाई गाड़ी। ओके लेट्स गो, पहुंच चुके हैं भाई गाड़ी। क्या यार आज तो मतलब यार एक एक मिनट में हाईवे नाप रहे नहीं हम लोग, भयंकर वाला यार। बाकी यार मैं आप लोगों को अगली वीडियो पे दिखाऊंगा लाइक लैम्बोर्गिनी की मैं पूरी कलेक्शन खरीदूंगा। एक ऐसी वीडियो आएगी मतलब एवेंटर्ड और मतलब जितनी भी गेम में जितनी गाड़ियां हर एक गाड़ी खरीदेंगे, जो जो मैं लैम्बोर्गिनी नहीं खरीदा हूं। इवन भाई ओल्ड कार जो सेकंड हैंड मार्केट में बिकती है, नई नई मार्केट में नहीं बिकती है, वो सारी गाड़ियां भी खरीदेंगे। एंड भाई गाड़ी क्या ड्रिफ्ट मार रही है भाई, ये ड्रिफ्ट ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट कर रही है यार, ये तो ड्रिफ्ट करवाना भी नहीं चाह रहा था ऑटोमेटिक गाड़ी। ओके लेट्स गो, एक और ड्रिफ्ट प्यार से। ओके ये थोड़ा मैं ज्यादा मोड़ दिया स्टीयरिंग यार, कोई बात नहीं, धुआं धुआं। खैर अगली वीडियो में एक बनाऊंगा 4 लाख सब्सक्राइबर पे या ये वीडियो पे 50,000 लाइक्स होने के बाद, जिसपे मैं गेम की सारी लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, इतनी भी रेयर हो भाई जमीन आसमान एक करके लाऊंगा, ट्रेड करूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर वो खरीदूंगा। एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लैम्बोर्गिनी कौन सी है। ओके हालांकि यार ये मत सोचो वीडियो खत्म हो गई है। ओके अभी अपने को तो ड्रैग रेस करने जाना है भाई एक और, वो भी भाई हम लोगों ने जो अभी डियाब्लो लिया ना, मुझे उसे एक बार टेस्ट करना है भाई, जैसे वो भागती है वैसा क्या ड्रैग रेस में परफॉर्म करती भी है। भले गाड़ी 400 दे रही हो, लेकिन ये हो सकता है कि भाई ड्रैग रेस में दे नहीं पाए भाई उतना स्पीड। ओके ये रही ना GTR। ओके अपन आ चुके हैं गाइस यहां पे लैम्बोर्गिनी डियाब्लो GTR में, भाई गाड़ी क्या चमक रही है। ओके थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है यार, लेकिन आई थिंक सो डियाब्लो झेल लेगी भाई, क्योंकि पुरानी गाड़ियां ऐसी होती थी ना उस समय, सोचो 1999 में तो भाई उतनी अच्छी रोड्स वगैरह भी नहीं होती थी, तो वहां की उस समय की जो गाड़ियां होती थी राइट, वो गाड़ियां ऐसी होती थी कि लाइक ये ऑफ रोडिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत, आई मीन एकदम ही भाई कुदा दो ऐसा रहा नहीं, लेकिन ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत झेल ही लेती थी। ओके एंड ये भी झेल ही लेती है भाई, स्पीड भी ठीक है, पिकअप बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा पिकअप है। देख रहे हो दूसरा गियर में 250 दे रही है गाड़ी भाई, दूसरा गियर में 150 पकड़ती है नॉर्मल गाड़िया भाई, 250 टच करती है, कंट्रोल भी वैसा ही भाई जोरदार है यार, बड़ा हार्ड कंट्रोल है भाई। चलो भाई पहाड़ों के ऊपर आ चुके हैं। एंड यार ये वाली जो ड्रैग रेस है ना भाई, बहुत लंबी ड्रैग रेस होती है ये, एंड बहुत अनकंट्रोलेबल मेरी कार क्यों है भाई, यार सच बताओ तो ना नहीं करने का मन कर रहा है इससे रेस, ऐसे मैं हार जाऊंगा लग रहा है पता है, लेकिन एट द एंड हम लोग पहुंच चुके हैं, ट्राई करना तो एटलीस्ट बनता है नहीं? थोड़ा लंबा है लेकिन आई थिंक सो मजा तो आएगा यार। चलो डियाब्लो GTR एंड विश मी अ गुड लक गाइस, यार क्या लगता है जीत पाऊंगा, दिखती तो जोरदार है भाई कुछ। अलॉय व्हील बस मैंने टट्टी वाला लगा दिया है, खेलो थोड़ा अच्छा महंगा वाला लगाना था, खैर कोई बात नहीं ठीक है। लेट्स गो भाई, बुगाटी डीवो आई है। ओके भाई अब ये वाली रेस में मजा आने वाला है ब्रो, अमेजिंग, ये बहुत तगड़ा रेस होगा, इसमें मैं हार भी सकता हूँ राइट। Let's go, भगा। Okay. कौन कौन सी गाड़ी है भाई? ओ भाई वो देखो आगे फरारी है, ला फरारी ओल्ड मॉडल। ओके भाई मेरी गाड़ी का पिकअप इतना ज्यादा है ना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन लोगों को आराम से हरा दूंगा भाई, लेकिन खैर संभल के चलाना होगा यार, स्पीड की बस बात नहीं होती ड्रैग रेस में, लेकिन बहुत पावरफुल कार है यार। ओके ठोको मत सालो, दिक्कत बहुत है भाई चलाने में। ओके आराम से चलाते हैं क्योंकि पहाड़ों में है यार, एक बार बैलेंस बिगड़ा मतलब खत्म है ब्रो। ओके आगे पूरा स्ट्रेट रोड आएगा तब भगाएंगे ना भाई फुल स्पीड में। ओके लेट्स गो, ओके स्ट्रेट रोड आ जा बस भाई, मुझे भगाना है फुल स्पीड में, लेट्स गो यहाँ ठीक है। ओके 300 पार, बस कंट्रोल बना रहे भाई अच्छे से। ओके गाड़ी उड़ रही है भाई, आई एम नॉट किडिंग, गाड़ी सच में उड़ रही थी अभी मैंने देखा, गाड़ी हवा में आ गई थी भाई। यहाँ पे रोड कैसे है भाई, उछाल दे रहे हैं। ओके इजी 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 भाई 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 भाई, पगानी, ये पगानी बहुत भगाता है भाई, पगानी जोंडैक। ओके लेट्स गो, मैं आ गया हूँ लीड हूँ यार। ओके वो मुड़ना है, बहुत हैवी ड्रिफ्ट मारो, कंट्रोल ले ले बस। ओके कंट्रोल ले लिया गाड़ी ने। ओके लेट्स गो, ड्रिफ्ट नहीं। ओके कैसे तैसे कंट्रोल बनाए गाइस। ओके लेट्स गो भगा। ओके ठीक है, आइए ओ भाई मैं तो जीता हूँ भाई वाला रेस। ओके ओके आराम से भाई, गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है भाई यार, 300 के स्पीड में ड्रिफ्ट करने से बहुत डर लगता है भाई, गाड़ी किधरी भी फेंका सकती है। एंड मैं इतना ज्यादा आ गया हूँ ना उन लोग से यार, मजाक से हटके भाई ड्रैग रेस में कोई गाड़ी 300-350 देती है क्या? ओके शिट ये भारी पड़ेगा मुझे। ओके पहुंच गए उन लोग मेरे पास, मस्ती मजाक एक तरफ, फरारी आगे निकल गई वो एक तरफ, भाई भाई ये पगानी भी निकल रहा है, रुको पकड़ते हैं ब्रेक आराम से, यहाँ पे बहुत मोड़ है, हाईवे आने दे साले, पगानी आगे आगे जाने नहीं दे रहा, देख रहे हो। ओके यार ये पोर्शे भी आगे निकल रही है। ओके ओके पोर्शे को जाने नहीं दूंगा। ओके लेट्स गो भाई, स्पीड दो यार, सब मिली भगत है भाई,
ओके यहाँ पे मुड़ना है यार। ये वाली फरारी तो एक्स की है भाई, ओल्ड मॉडल वाली भाई। ये अपने पास कार फॉर सेल में थी ना। ओके लेट्स गो यार, कार फॉर सेल में भी ऐसी ऐसी गाड़ी है भाई जो यहाँ पे भी है यार। ओके यार फोर्जा होराइजन वाली मेरी वीडियोस देखते हैं यार, कार फॉर सेल और इसकी भाई जो उसमें बेचता हूँ वो इसमें आ जाता है यार। ओके ओके ब्रेक 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 लेट्स गो भाई, मैं जीत गया हूँ ब्रो, आई वॉन भाई, मैं जीत चुका हूँ लगभग लगभग मैं जीत ही चुका हूँ कह दो यार। ओके गियर डाउन ओके लेट्स गो यार, इतना आगे आ चुका हूँ ना, अब तो कोई चांस ही नहीं कि इन लोग मेरे को हरा पाए, बट स्टिल चांस नहीं लूंगा मैं, आराम से जाएंगे। रेस खत्म होने वाला है जस्ट आगे है, एंड बंदे मेरे जस्ट पीछे हैं भाई, एंड अपन ड्रिफ्ट तो हुआ नहीं भाई, टायर वैसे वाले थे नहीं, लेकिन ये अपन रेस जीत चुके हैं। एंड मैं किसके घर में घुस गया भाई, लेकिन खैर मजा बहुत आया ये वाली ड्रैग रेस। फर्स्ट तो मैं, सेकंड आई है एमबी क्लर्क जीटीआर, आई मीन फरारी की है ऑब्वियस, पगानी जोंडा तो मुझे पता है, अल्टिमा पता है, फरारी एक्सबो वो है, वो केटीएम की, केटीएम की कार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा राइट। आप में से कुछ लोगों ने बोला था, इतने को पता था कि भाई केटीएम की भी कार हो, आप लोगों ने केटीएम आरसी, केटीएम 200, ड्यूक ये सब सुना होगा, केटीएम की कार भी होती है पता है। केटीएम की कार दिखाता हूँ मैं, अगर मेरे पास हो भाई केटीएम का, अगर मैं खरीदा हूँ तो देखने के लिए यार, KTM की कार, बस एक ही कार है वो भी भाई, मैं तीन तीन खरीद, KTM Expo GTR गाड़ी का नाम, देखते हैं कैसी दिखती है, मैं पहली बार देख रहा हूं। ये है भाई वो कार, एंड लुक्स प्रिटी इनसेन यार। ये पीछे का लाइट ब्लिंक हो रहा है, क्यों वो हो क्यों रहा है यार, कोई दिक्कत है क्या, कितने गियर की कार है यार। ये स्टॉक मॉडल है बोल के उतना आपको स्पीड नहीं मिलेगा, बाकी लुक देख लो थोड़ा कार्टूनिश वाला है। ओके ये देख लो भाई, ये ऐसा लुक है बैटमैन की कार लग रही है भाई, मजाक से हटके यार। बाकी गाइस यार कंट्रोल बड़ा प्यारा है, मैं आराम से ऐसे ऐसे चला सकता हूँ, स्पीड ज्यादा नहीं है लाइक अभी यार मैंने खरीदा हूँ तो यार कहाँ से स्पीड में। खैर चलो यही है KTM की कार जिन लोगों को देखना था। बाकी तो मैं अपनी फेवरेट, हाँ, कौन सी है यार, गैस क्या करोगे भाई, ले लेते हैं सीधा जो अच्छा, सुप्रा MK4 पॉल वॉकर की फास्ट एंड फ्यूरियस कार भाई। ये चलाता हूँ ना तब मेरे को फील आता है कि भाई मैं AK47 चला रहा हूँ, देख रहे हो 200 की स्पीड तक तो गाड़ी फटाके ही फोड़ती है भाई। आप में से कितने को टोयोटा सुप्रा पसंद है यार, कमेंट सेक्शन में टोयोटा सुप्रा लवर लिख देना, समझ जाऊंगा आप लोगों को पसंद है राइट। बाकी गाइस यार अगले वीडियो में मैंने प्लान कर रखा है कि भाई मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूं, आई मीन गेम की सारी लैम्बोर्गिनी। अगर आप ये वीडियो पे 50,000 लाइक्स करवा देते हो तो, नहीं तो यार 4,00,000 सब्सक्राइबर पे मैं पूरी लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा। और बाकी यार और कुछ अगर आपके पास आइडिया है कुछ नया ट्राई करने का, या कोई और नई कंपनी की कार, मैंने कोनिसेक की सारी गाड़ियां खरीदी है अगर आपको देखना है तो, एंड बुगाटी की सारी गाड़ियां, डीवो वगैरह मैंने सब खरीदा है, और आई मीन हर एक कार भाई, कंपनी की पहली कार से लेकर के लेटेस्ट कार, हर एक कार मैंने बुगाटी की खरीदी है, तो आप वो जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना फोर्जा होराइजन, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। ओके ओके सो गाइस यार वीडियो का एंड आ चुका है, एंड होप सो आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ फोर्जा होराइजन की और वीडियोस देखनी है तो ये रही सारी प्लेलिस्ट, आई मीन हर एक वीडियो है यहाँ पे भाई। आप लोग मानोगे नहीं यार मैंने क्या क्या नहीं खरीदा है भाई, एंड मानने के लिए आपको प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, जाके चेकआउट करो। अगर आपको ये वीडियो तबाही लगा तो लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी अगर आपको और वीडियोस दो देखने हैं एक्सपेरिमेंटल अच्छे अच्छे, प्यार हो जाएगा आप लोगों को मेरे से ये दोनों वीडियो देख के, तो जाके देखो मैंने आप लोगों के मन पसंद वीडियो लगा दिए। बाकी यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस एंड लव यू ऑल गाइस, बाय।